उज्जैन शहर में सिंधिया परिवार और ट्रस्ट की जमीन महल कालियादेह पर ग्रामीण और स्थानीय जनों के आने जाने के लिए रोड बंद करने का काम हुआ शुरू। उज्जैन शहर की सीमा क्षेत्र में कालियादेह महल सिंधिया ट्रस्ट और सिंधिया परिवार की जमीन है, जहां पर मुख्य रोड निकला हुआ है और गांव और शहर के लोग इसी रोड से आना जाना करते हैं, किंतु कुछ समय से इस रास्ते को बंद करने की कोशिश होने लगी है। इस दौरान गांव के ग्रामीणों ने घटिया तहसील के SDM गोविंद दुबे को लिखित में शिकायत की। SDM ने निरीक्षण करके चल रहे काम को रुकवाने के निर्देश जारी किए और घटिया के विधायक रामलाल मालवीय ने भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यसभा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पलटवार किया। मुख्य रोड वर्षों पुराना है, लोग आना जाना करते हैं, साथ ही कई किसानों ने भी अपनी मर्जी से महल पर आने जाने के लिए रास्ता दिया हुआ है, कल से वह रास्ता भी बंद कर सकते हैं। इस तरीके से आम रास्ते को बंद करना गलत है। क्या महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नई प्रथा लागू करना चाहते हैं, टैक्स वसूली की, जो पहले राजा महाराजाओं के समय की जाती थी। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जिस प्रकार से जो कालियादेह महल है वहाँ ट्रस्ट की जमीन पर जो है रास्ता बंद किया जा रहा है, अब किसान निकल नहीं पाएंगे। करीब 5 गाँव के रास्ता है और किसान निकल नहीं पाएंगे तो किस प्रकार से परेशानी होगी, क्या दिक्कत होगी। महाराज एक तरफ तो रास्ता बंद करवा रहे हैं और एक तरफ मंच से किसानों के हितैषी ही बताते हैं। अरे बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। ट्रस्ट की जगह है मान लिया हमने, सिंधिया परिवार की जगह है ये भी मान लेते हम, पर पिछले 50-100-200 सालों से लोग उन्हीं रास्ते का प्रयोग करते आ रहे हैं और वो एक आम रास्ता बन चुका है। तो मेरा तो सवाल है महाराज से, सिंधिया जी से, कि क्या लोगों के निकलने का दाना पानी तो बंद कर ही रहे हो, किसानों की तो बात करते नहीं हो आप, उनके निकलने का रास्ता भी आप बंद करके क्या उसका टैक्स या लगान चाहिए क्या आपको? जैसा कि ग्वालियर के किले देखने में जो आपने फीस लगा रखी है 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये की, क्या साबित करना आप? जबकि अगर आपके को संज्ञान में मामला है या ट्रस्ट से जुड़े लोगों को है तो जन जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रास्ता खोलने के लिए आदेश जारी करना चाहिए उनको वहाँ से। और मैं तो प्रशासन से भी कहूँगा आम रास्ता रोकने की ज़रूरत क्या है, क्यों महाराज कितनी गुलामी करने की ज़रूरत है? जो आपको जोड़ने को जाता है तो परंपरागत रास्ता है, जिस प्रकार पिछले 3-4 दिनों से सुनने में आया कि जो सिंधिया जी के ट्रस्ट की जो जमीन है वो जमीन को लेकर के निर्माण करना चाह रहे हैं, रास्ता बंद करना चाह रहे हैं, तो उस जमाने में जब राजा महाराजाओं का राज था तब राजा टैक्स वसूल करते थे जनता से। तो अब मेरे को ये लग रहा है कि अब इतने वर्षों बाद जब हम कालियादेह महल एक पिकनिक स्थान है और उस पिकनिक स्थान को अगर कहीं टैक्स के रूप में महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी या सिंधिया ट्रस्ट वसूल करना चाह रहा है तो निश्चित रूप से निंदनीय है। मैं तो ये मांग करूंगा महाराज से कि सिंधिया जी आप जनता के लिए हैं, न कि कोई टैक्स वसूलने के लिए। आपने जो ये वहाँ जो बाउंड्री वॉल बना रहे, लोगों के रास्ते रोक रहे, इससे किसान को परेशानी होगी, आम लोगों को परेशानी होगा। पिछले दिनों जिस प्रकार आपने किसानों की बात करते हुए, जब कांग्रेस में थे, कांग्रेस की सरकार थी, आपने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा, मैं उनके लिए सड़क पर उतरूंगा, पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद आज तक हमने कहीं नहीं सुना एक शब्द भी कि सिंधिया जी ने किसानों के लिए कोई बात की। तो मैं तो आपकी चैनल के माध्यम से सिंधिया जी से इतना ही कहूँगा कि आप बड़े राजा महाराजा हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार जनता को रास्ता बंद करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।